दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बॉल टेम्परिंग केस में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्राफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध की सजा दी है। स्मिथ और वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जबकि बैनक्राफ्ट को 9 महीने की सजा सुनाई गई है। इस बैन का मतलब यह है कि स्मिथ और वार्नर ना तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल पाएंगे और ना ही घरेलू क्रिकेट खेल पाएंगे। आईपीएल की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला बिग बैश टूर्नामेंट भी ये खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। दोनों खिलाड़ियों को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया है और गेंद अब बीसीसीआई के पाले में है कि इन खिलाड़ियों को लेकर आईपीएल में खेलने की इजाजत मिलती है या नहीं। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी आईपीएल टीमों की कप्तानी इससे पहले ही छोड़ चुके हैं। स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, जबकि डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। विक्रांत, इंतजार था कि क्या बैन का फैसला किस तरह से लेता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो बैन को लेकर तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अब गेंद बीसीसीआई के पाले में है, यहां से आईपीएल को लेकर क्या फैसला होता है? मीनाक्षी, ये लोग आईपीएल नहीं खेलेंगे और ना ही इनको खेलना चाहिए, क्योंकि एक आधिकारिक तौर पर अभी जेम्स सदरलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पता चलेगा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट या फिर क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वो ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट है तो फिर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, वो आप आईपीएल भी भूल जाएं। दूसरी बात, अगर आप देखें आईपीएल क्या है, आईपीएल परसेप्शन की गेम है, आईपीएल आपके छवि की गेम है। राजस्थान और हैदराबाद क्यों खिलाना चाहेंगे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को, और क्यों बीसीसीआई और आईपीएल उन खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने देगा जो अपने बिग बैश लीग में नहीं खेल सकते? तो इस लिहाज से मुझे लगता है क्लैरिटी थोड़ी देर में जरूर आएगी। एक, जेम्स सदरलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उनको हर क्रिकेट के लिए हटाया जाएगा, क्या वो आईपीएल खेल सकते हैं, क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एनओसी देगा आईपीएल खेलने के लिए, और दूसरी बात यह है कि उसके बाद मुझे लगता है कि आपको बीसीसीआई से भी रिएक्शन मिल जाएगा कि आईपीएल में ये दोनों खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। मेरे लिहाज से आईपीएल में ये दोनों आपको खेलते नहीं नजर आएंगे। जी विक्रांत, क्योंकि इससे पहले भी क्रिकेट को लेकर जब जब जिस जिस तरह के विवाद हुए हैं, आपने उनको देखा है, कवर किया है, लेकिन फैसला जो दिया गया है, सजा कितनी होगी, इसको लेकर बीते कई दिनों में मीडिया में अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स चल रही थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो इस तरह से इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, 1 साल का बैन? देखिए मीनाक्षी, क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिकेट के लिहाज से जो आईसीसी के नियम है वो तो एक टेस्ट मैच का बैन लग गया, किसी की फाइन हो गया, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमें बेईमान लोगों की मेरी सोसाइटी में जगह नहीं है। तो इसी के चलते आपने देखा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर दबाव था, आपकी टेलीविजन की डील थी, आपके स्पॉन्सर्स मना कर रहे थे। अब आज ही देखिए ना, एलजी ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। डेविड वार्नर दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन एक एक कर अब स्पॉन्सर्स उनसे दूर जाते रहेंगे। तो इस लिहाज से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास और कोई विकल्प ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कोच डैरन लीमन को कल बचा दिया ये कहकर कि उनको पता नहीं था। ये आपको हजम नहीं होती है बात, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। स्टीव स्मिथ क्रिकेट वापस खेलेंगे 1 साल बाद, वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगे, कप्तानी कभी नहीं करेंगे, लेकिन डेविड वार्नर की जो खबरें आ रही हैं, जो हालात हैं, हो ना हो केविन पीटरसन की तरह ये तलाक हो जाए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से और डेविड वार्नर आपको कभी भी क्रिकेट खेलते दिखे ही ना। जी शुक्रिया विक्रांत आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।